السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين अल्लाह सुबहान तरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त को याद करो कि जब मूसा सलाम ने अपनी कौम से कहा अपने लोगों से कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पे नेमत की यानी अल्लाह ने तुम पे बेशुमार एहसानात किए जैसा कि बनी इसराइल के बारे में हमें पता है कि अल्लाह सुबहान ते फिरौन से नजात दी उन पर मनोसलवा नाजल किया और उनको बेशुमार नमते दी इस जालफी को अम्बिया अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने तुम में तुम में अम्बिया को भेजा तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत और इनाम बनू इसराइल पे कि अल्लाह सुबहान ने बेशुमार अम्बिया बनु इसराइल से भेजे व मलू का और अल्लाह व तआला का एक इनाम तुम पे ये कि उसने तुम्हें बादशाह बनाया यानी कि तुम्हारी नस्ल में से कई लोग जो हैं वो बादशाह बने मालम मिनल आलमीन और तुम्हें अल्लाह तआला ने वो दिया वो वो इल्म वो वो चीजें दी कि जो उससे पहले अल्लाह तआला ने पूरे आलम में किसी को नहीं दी तो ये जो फ़जीलत अल्लाह सुबह ने बनी इसराइल को दी कि अम्बिया उनमें भेजे उनमें बादशाह बनाए और उनको पूरे जहान वालों पर फजीलत दी तो ये अल्लाह के बड़े बड़े एहसानात हैं जिनको बनो इसराइल को कहा जा रहा है कि तुम्हें इसको याद रखना चाहिए और ये जो फजीलत बन इसराइल की है उसके बाद ये उनसे ट्रांसफ़र होके उम्मत मोहम्मदिया को दे दी गई जब अल्लाह सुबहान तरमाया कि कुन तुम खैर उम्मा तुम बेहतरीन उम्मत हो लेकिन उसकी शर्त क्या है कि मरून ना अनिल मुनकर के तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको तो ये जो अल्लाह सुबहान बनी इसराइल को बेहतरीन उम्मत बनाया और फिर उनसे ये जो एजाज़ था वो छिन गया वो उनकी बद आमालियों की वजह से था जो उनसे अल्लाह सुबहान चाहा और जो जिसका तकाजा किया वो उस तकाज़ों पे पूरे नहीं उतरे तो इसलिए उम्म महमदिया के लिए भी फजीलत उसी वक्त तक है या हम भी उस इनाम के मुस्त तभी करार पाएंगे जब हम उन तकाज़ों को पूरा करें जो अल्लाह सुबहान तरियत में किए हैं एक और चीज़ जो इस आयत में अल्लाह ने इनाम के तौर पर जिक्र की वो है कि तुम में से बादशाह बनाए और इसी तरह हम जानते हैं कि अल्लाह के कई अम्बिया भी ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह अल्ला ने ये बादशाहत अदा की जैसे दाऊद आलम को और सलेमान को तो बजात खुद इस्लाम में बादशाहत की गुंजाइश मौजूद है और इसका जवाब मौजूद है कोई ऐसा मसला नहीं है कि बादशाहत जो है वो इस्लाम में कोई कह लें कि मायूब या नाजायज़ चीज़ है बल्कि इसका जवाब मौजूद है ये एक इस्लाम में एक लॉफुल और कानूनी तरीका हकूमत है और इसकी गुंजाइश इस्लाम में मौजूद है आ, और लेकिन इसमें शर्त वही है कि हाकिम या जो भी हुक्मरान है बादशाह है या किसी भी तरीके से हकूमत में आया है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अदलो इंसाफ का दामन न छोड़े हक और इंसाफ के मुताबिक जो है वो फैसले करे और इस्लाम के मुताबिक फैसले करे तो जो भी हुक्मरान है अगर वो इन तकाजों को पूरा करता है तो इस्लामी तौर पे उसमें कोई यानी कि ऐब नहीं समझा जाना चाहिए या कौमदलमुक़द्दस तबलकुम मूसा ने कहा कि ए मेरी कौम उद अर्दल मुक़दसा के अर्ज मुक़दसा यानी बैतुलमक़दस में दाखिल हो जाओ फलस्तान में दाखिल हो अल्लती कतब अतबल्लाकुम वो सरजमीन के जो अल्लाह सुबह मत ने तुम्हारे लिए, लिए लिख दी है यानी अल्लाह ने यह तय कर दिया है कि तुम दोबारा मकद्दस में जाओगे और वहाँ पे तुम रह सकोगे तो तुम उसमें दाखिल हो उसकी तरफ चलो तो मूसा सलाम की जो कौम है बनु इसराइल आ, वो पहले फ़लस्तीन के इलाके में बैतुलमकत के इलाके में उस एरिए में रहते होते थे और जब यूसुफ आलम को अला सुबहान तकूमत दी मिसर में और वो जब मिसर में आ, जो है वो कह लें कि वज़ी जो वज़ी ख़ास हैं वो बन के तो फिर उन्होंने अपना सारा ख़ानदान जो है वो वहाँ मिसर बुला लिया और सारे जो ये बनो इसराइल के लोग थे याकूब आम की औलाद ये सारी फैमिली मिसर शिफ्ट हो गई और वहाँ ये रहे कुछ अरसे बाद फिर जाहिर सी बात है कि वो जब इनकी ताकत वहाँ पे ख़त्म होगी और हुकूमती असर व रसूख खत्म हुआ तो फिर ये उधर एक कह लें कि गुलामों के तौर पे और एक मज़लूम कौम के तौर पे वहाँ पे रह रहे थे और वहाँ एक हिसाब से ये फंस गए के वो जो फिरानी थे वो इनको अब निकलने भी नहीं दे रहे थे तो अल्लाह अल्ला ने जब इस इनको फिरौन से और उसकी आल से नजात दी और सलाम इनको एक रात को लेके निकले जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने भी इनका पीछा किया और अल्लाह सुबह मत ने इनको नजात दी और फ़िरौन को गर्क कर दिया तो वहाँ से जब निकले तो अब अल्लाह मत की तरफ से हुक्म हुआ कि बैतुलमकदस की तरफ जाओ और बैतुलमक़दस में उस वक़्त अमालका नाम की एक कौम आबाद थी वो बड़े ताकतवर किस्म के जंगजू किस्म के लोग थे और गैर मुस्लिम थे तो इनको कहा गया कि भाई वो तुम्हारी जमीन है तुम वहां पे जाओ और उनसे मुकाबला करो और अपनी जो जगह है वो खाली करवाओ और वहां पे रहो तो ये बनी इसराइल जो है इन्होंने ये डर गए और घबरा गए और इन्होंने मुकाबला करने से इनकार कर दिया तो यहाँ पे उस चीज़ का तस्करा है कि अल्लाह व तआला फरमाते हैं कि मूसा सलाम ने कहा कि मेरी कौम अः मुकदस सरजमीन में दाखिल हो जाओ और वो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए तय है वला तद्दू आलाद बारिकुम और तुम अपनी पुश्त के बल मुड़ ना जाना यानी कि पीठ ना फेर लेना भाग ना जाना लड़ाई से फतन कलिबू खासन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम नुकसान में जा गिरोगे कालू या मूसा तो मूसा की जो कौम थी और वो जो बुजदिल थे उन्होंने कहा ए मूसा इन जब्बारीन कि वहाँ तो बड़े ही ताकतवर और जोरावर किस्म के लोग रहते हैं वह इन्ना खुल युजु मनहा तो हम तो हरगज उसमें दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो वहां से निकल जाए अगर वो खुद उस शहर को छोड़ के चले जाए तो फिर तो हम वहाँ पे चले जाएंगे लेकिन हम उनका आमना सामना नहीं कर सकते हम नहीं दाखिल होंगे फईं अख रुजू मिनह फ दाखिलून अगर वो वहां से खुद ही निकल जाए तो फिर हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं यानी कि हमें आ, ऐसी हाल के जब हमें कुछ करना ना पड़े मुकाबला ना करना पड़े तो तब तो हम दाखिल होंगे लेकिन आगे अगर कोई रेजिस्टेंस है अगर मुकाबला करना पड़ने की गुंजाइश आएगी तो फिर हम जाने के लिए तैयार नहीं कला रजुलानी दो आदमियों ने कहा मिनल यखाफून उन लोगों में से जिनको खुदा खौफी थी कोई उनको अल्लाह का कोई डर था बनी इसराइल में से उन्होंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की उन्होंने कहा अना हिम और ये जो दो लोग थे अल्लाह वाले और अल्लाह से डरने वाले ये दो लोग जिन पे अल्लाह का फजल था कि अल्लाह ने इनको हिदायत और समझ दी थी इन्होंने अपनी कौम से कहा उद खलू आलबाब कि तुम दरवाजे से उस उन लोगों के पास पहुँचो उस शहर में दाखिल हो जाओ जैसे मूसा ने हुक्म दिया है फैजा दखल तुम नकुम गालिबून जब तुम उन पे दाखिल हो गए उसमें शहर में एंटर हो गए फिन नकुम गिब तो तुम यकीनन गालिब आ जाओगे क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये तुम पे वादा है तुमसे वादा है तो तुम गालिब आओगे व अल्ला फ कलू इन कं तो मोमिन और तुम अल्लाह पे तोल करो अल्लाह पे भरोसा रखो इन कंत मोमिन अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो इसके नतीजे में इस कौम ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया और इंतहा गुस्ताखाना अंदाज में मूसा से कहने लगे कालू उन्होंने कहा या मूसा ए मूसा इन्ना लद खुलाहा अब मादाफी कि हम उस शहर में हरगिज दाखिल नहीं होंगे जब तक वो लोग वहां पे हैं जब तक वो ताकतवर कौम वहां पे है वहां पे मौजूद है हम कभी भी उस शहर में दाखिल नहीं होंगे फजहब अबू का फका तिला तो तुम और तुम्हारा रब जाके उनसे लड़ लो फका तुम दोनों जाके लड़ो तुम और तुम्हारा रब नऊजु बिल्ला इन्ना हा हुना का हम तो इधर ही बैठे हुए हैं बाला रबी इन्नी ला अमलिको नफसी वाखी मूसा ने कहा अल्लाह सुबहान मुखातब हुए और कहा है मेरे रब इन्नी ला अमलिकोला नफसी वाखी मैं तो सिर्फ अपने और अपने भाई अपने नफ्स का और अपने भाई का जिम्मेदार हूँ अपना और अपने भाई हारूणा आलाम का इख्तियार मुझे है इनका इख्तियार मेरे में नहीं है कि मैं इनको जबरदस्ती लेके जा सकूं जिहाद के लिए फफरुख बी अल्लाह हमारे दरमियान और इस फासिक और नाफरमान कौम के दरमियान फासला पैदा कर दे सना तो अल्लाह व तआला ने फरमाया कि इन्होंने ये जो गुस्ताखी की है ये जो नाफरमानी की है इसकी सजा इन पे ये है कि इन पे चालीस साल के लिए जमीन को हराम करार दिया जाता है और हराम क्या है इन पे के यती हूँ नफिल अर्द के ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे इनको कोई निकलने की राह नहीं मिलेगी फलाता तो आप नाफरमान और फासिक कौम पे गमगीन ना होना जब इनको सजा मिल रही होगी और ये जो हक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस पर तुम्हें गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारा जो फरीजा था दावत का और तबलीग का वो तुमने अदा कर दिया और अब ये जो नाफरमान लोग हैं इनकी नाफरमानी का बबाल एमूसाई सलाम आप पे नहीं है तो इसलिए आपको इसमें गमगीन होने की जरूरत नहीं है तो अल्लाह सुबहान ने इनको फिर बनी इसराइल को यह सजा दी कि इनको वो जो एक मैदान था एक सहरा था जिसको मैदान तीह कहा जाता है उसमें ये फंस गए और चालीस साल तक ये मारे मारे फिरते रहे उसमें ये जिधर को भी जाते थे ये घूम फिर के वहीं पे आ जाते थे ये उस कहने के लॉक हो गए उस सहरा में और उससे निकल नहीं सके चालीस साल तक और यहाँ भी अल्लाह सुबहान तूसा वहाँ पे मौजूद थे तो इसके बावजूद के इनकी इतनी नाफरमानी और इतनी बगावत थी इनमें इसके बावजूद अल्लाह सुबहान इनको वहाँ पे पानी दिया कि जब इन्होंने मूसा आसमाम से तकाजा किया पानी का तो उन्होंने एक पत्थर को अपना आसा मारा तो उससे बारह चश्मे फूट पड़े क्योंकि ये बारह कबीले थे इनके बनो इसराइल के तो हर कबीले के लिए हर खानदान के लिए एक चश्मा हो गया पानी का और फिर अल्लाह सुबह ने इन पे मनो सलवा मीठा और नमकीन जो है वो उतारा इनके लिए और जिसका पहले पारे में तस्करा गुजरा है और इस तरह इनसे आसमान से इनके लिए खाना आता रहा फिर उसके बावजूद इन्होंने नशुक्री की और कहा कि जो जमीन से चीजें उगती हैं वो हमारे लिए होनी चाहिए तो ये सारा जो मामला है वो इनके साथ हुआ और फिर 40 साल बाद यहाँ से जब छूटे हैं इस मैदान से इस सहरा से तो फिर अल्लाह सुबह की तरफ से हुक्म हुआ कि बैतुलमकदस में दाखिल हो जाना और वहां पर इनको हुक्म हुआ कि जब बैतुलमकदस में दाखिल होना है दरवाजे से तो सजदा करते हुए जाना है वहाँ दरवाजे पे सजदा करो अल्लाह को शुक्र का और इसी तरह कहो के हिता कि के अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे तो उस वक्त भी इन के सरकशों ने जो है वो बगावत और सरकशी का मुजहरा किया और बजाय इसके के उसमें सजदा करते हुए गुजरते उस दरवाजे से ये जो है पीछे को सर करके गुजरे के कहीं हमारा सर हल्का सा भी ना झुके दरवाजे में दाखिल होते हुए और इसी तरह इन्होंने हित की बजाय के जिसका मतलब है कि हमें मुआफ कर दे हिन्ता का लफज बोला जिसका मतलब गंदम होता है तो ये जो इनकी शरारतें थी सरकशी थी ये कोई नई नहीं, नहीं थी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ये सिर्फ रसूल सल्लाम के साथ मदीने में इसका मुजाह कर रहे थे कि ये उसमें अपना एक्सक्यूज ये दें और इनका उजर ये हो कि हम इनको नबी नहीं मानते इसलिए हम ये इस अंदाज से बिहेव करते हैं बल्कि इनका ये तर्ज अमल अपने नबी के साथ भी यही था यानी कि जिनकी ये कौम थे मूसा की उनके साथ भी इन का यही तरीका कार था और ये इसी तरह अल्लाह के नबी मूसा को अजीय पहुँचाया करते थे तो ये यानी कि इनके शुरू से इन लोगों में ये जो खबासत है वो मौजूद है जिसका अल्लाह सुबहान तहाँ पे तस्करा किया और बेशुमार जगहों पर तस्करा किया इससे आगे अल्लाह सुभानहू व किस्सा जिक्र कर रहे हैं आदम अलैहि सलाम के दो बेटों का जिनका नाम जिनके नाम हाबील और काबिल थे अल्लाह सुभानहू व फरमाते हैं वतलु अलैहिम ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतलु अलैहिम नबा अबनाई आदम बिल हक कि आप इनको आदम अलैहि सलाम के दो बेटों का हाल और उनका किस्सा जो हकीकत पे मबनी है वो सुना दे सच्चा किस्सा जो आदम आदमी के दो बेटों का है वो इनको सुना दे दें इबा कुर्बान जब उन दोनों ने नजराना पेश किया उन दोनों ने अल्लाह के लिए हदिया पेश किया फतोकुब्बिलान अद हिमा तो उन दोनों में से एक की जो कुर्बानी थी जो अल्लाह का तकर्रब और कुर्ब हासिल करने के लिए उसने नजराना दिया वो कबूल कर लिया गया वलम मिनल आखर और दूसरे से कबूल नहीं किया गया काल काला तो जिसका कबूल नहीं हुआ था यानी काबिल का उसने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा हसद में आ गया और हसद में आके उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो जिसका हदिया, जिसका नजराना कबूल हुआ था हबील का उसने कहा कि अल्लाह सुबहान सिर्फ उन लोगों के सदक़त को नजरानों को कुर्बानियों को कबूल करते हैं जो मुत्तकीन हैं जो अल्लाह से डरने वाला है जिसमें तकवा है तो अगर तकवा नहीं है इखलास नहीं है और अल्लाह का डर मौजूद नहीं है तो फिर सदकात नजरान और हदिये और क़रबानियाँ कबूल नहीं होती तो इसमें जो है मुख्तलिफ जो है मुफसरीन ने जो है इसकी तफसीलात बयान की हैं कुछ बनी इसराइली रिवायात की बुनियाद पर भी हैं कि जब आदम सलाम इस दुनिया में भेजे गए ज़मीन पर आए तो उनकी जो सूरत हाल उस वक्त थी कि अब जितनी औलाद होनी थी वो तो आदम ही सलाम की होनी थी तो एक कह लें कि बुनियादी असूल है कि बहन भाइयों की तो आपस में अमूमन शादी हो नहीं सकती ये तो एक उ है शरीयत के लेकिन उस वक़्त तो चूंकि माँ बाप ही एक थे आदम थे और हवा अम ये दो लोग ही थे तो अब इंसानी नस्ल आगे कैसे बढ़े क्योंकि वो जितने बच्चे होंगे वो तो इन्हीं दोनों के होंगे वो तो बहन भाई होंगे आपस में तो तरीका कार ये था कि जो बच्चे हैं वो जुड़वा होते थे एक लड़का एक लड़की तो एक साल मसलन एक दफा जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो अगली दफा जो जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो उनके यानी कि इस तरह होता था कि पहले साल जो बच्चे पैदा हुए लड़का लड़की और फिर उसके एक साल बाद अगर लड़का लड़की पैदा हुए तो इनके आपस में यानी कि उनकी शादियां हो जाती थी पहले साल वाले लड़के की दूसरी साल वाली लड़की से और इसी तरह जो लड़का है उसकी जो है वो दूसरे जो ट्विंस हैं उसमें से जो लड़की है उससे शादी हो जाती तो ये इस तरह से यानी कि ट्विंस को कह लें कि बहन भाई की तरह कंसिडर किया जाता था और दूसरों को नहीं तो ये जो काबिल था इसकी जो कह लें कि ट्विन सिस्टर थी जो इसके साथ पैदा हुई थी वो नस्बता ज्यादा खूबसूरत थी तो इसलिए उसको ये लालच थी कि मेरी शादी जो है वो हाबील की सिस्टर से नहीं हो बल्कि ये जो मेरे साथ पैदा हुई है, लड़की इससे हो तो उस पर जो है वो आदम आलाम की तरफ से ज़ाहरसी बात पहले समझाया गया कि भाई ये तरीका का ठीक नहीं है लेकिन फिर बात इस चीज पे पहुंची के अल्लाह के लिए कुरबानी दी जाए अल्लाह के लिए नजराना पेश किया जाए तो जिसका नजराना जिसका हरिया कबूल कर लिया गया ए, उसकी जो है वो ए, उस लड़की से शादी होगी जिससे ए, जो है वो दोनों करना चाहते थे तो जब कुरबानी की तो अल्लाह सुबहान कुर्बानी है हाबील की उसको कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की गई और कुर्बानी की कबूलीत का पहली जो उम्मतें हैं उनमें तरीक़ाकार ये था जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि ताकुल हन्नार के जो कुर्बानी कबूल की जाती थी आसमान से आग उतरती और वो उसको खा जाती और उसको बसम कर देती उस कुर्बानी को तो ये इस चीज़ की निशानी होती कि ये कुर्बानी अल्लाह सुबान वाली ने कबूल कर ली है और अगर आग आती और उसको कह लें बसम किए बगैर ही चली जाती तो इसका मतलब कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो जब काबिल की क़ुरबानी कबूल नहीं हुई तो वो मजीद गुस्से में आ गया और हसद में आ गया और उसने कहा अपने भाई को कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो हाबिल ने कहा कि अल्लाह सुबहान मुत्तकी और परहेजगार लोग होते हैं सिर्फ उनकी कुरबानी कबूल करता है और ये भी इस चीज़ का एक कह लें कि इजहार है कि काबिल कोई नेक शख्स नहीं था कि जब उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो कह लें के बजाय उस पर शर्मिंदा और पशेमान हो वो मजीद हसद और बुगज में आ गया और उस बात पे आ गया कि कतल जैसा वो संगीन है गुना करने के लिए मादा हो गया तो उसके भाई हाबील ने कहा कि लईम बसा का लिता कि अगर तुम अपने हाथ आगे बढ़ाओगे मुझे कतल करने के लिए अगर तुम दस्त दराजी करोगे और ज्यादती करते हुए मुझे कतल करोगे मा बिबा सिती यदिया का। मैं अपना हाथ जो है ज्याति के लिए आगे नहीं बढ़ाने वाला तुम्हारी तरफ के लिए अक तोला का मैं तुम्हें कतल कर दूँ इन रबीन क्योंकि मैं अल्लाह सुबह नो रबालमीन है जो सारे जहानों का रब है मैं उससे डरता हूँ और अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर की वजह से मैं ज्यादी करने से बाज आ गया हूँ और मैं तुम्हें कतल नहीं करने की कोशिश करूंगा अगर तुम मुझे कतल करने की कोशिश करो तो मैं जवाबंद तुम्हें कतल करने की कोशिश नहीं करूंगा इन्नी उरीदो हाबील ने मजीद कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इसमी व इसमी का कि तुम मेरे गुना और अपने गुना दोनों के गुनाह को लेकर लौटो अब यानी कि दोनों के गुना को दोनों का गुना हम दोनों का गुना तुम्हारे सर जाए फतकून अमिनार और तुम आग वालों में से हो जाओ वजाली का जजा उदवाल और यही बदला होता है मों का तो यहाँ पे जो है सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने फरमाया कि ये जो काबिल है इसने सबसे पहला कत्ल किया और इसकी सज़ा ये है कि क़्यामत तक जितने भी कत्ल होंगे हार कतल का जो कह लें कि बोझ होगा उस बोझ का हिस्सा इस काबिल को भी जाता है क्योंकि इसने इस गुनाह को शुरू किया तो इसलिए जब कोई अच्छा काम अच्छाई का काम जो शुरू करने वाला है उसको आ, उसका बदला मिलता है और नेकी मिलती है जब उसको देखा देखी दूसरे लोग भी नेक काम करने लग जाते हैं इसी तरह अगर कोई लोग कोई बुरा काम करता है और उसको फॉलो करते हुए दूसरे लोग बुरा काम करने लग जाते हैं तो इसका गुना फिर इस शख्स को जाता है तो ये जो पहला कातिल है इसके बाद जितने कतल होंगे सारों का जो विजर है सारों का जो बोझ है जो गुना है वो इस काबिल पे भी जाता है और दूसरी चीज जो हाबील ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा गुना और तुम्हारा गुना दोनों तुम्हारे ही सर पड़े और इसलिए मैं यानी कि कह लें कि अटैक नहीं करूंगा तुम पे ये सोचते हुए कि तुम मुझ पे अटैक करने वाले हो इसके बारे में भी एक हदीस है कि रसूल सल्लाम ने फरमाया अलमकतल किला कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों दोजी हैं तो साहबा ने पूछा कि ये तो चलो कातिल है इसकी समझ आती है कि इसने कत्ल किया तो इसलिए ये दोजी है मकतूल का क्या कसूर है वो तो विक्टम है उसको क्यों कहा जा रहा है कि वो भी दो में जाएगा तो रसूल सल्लाम ने फरमाया कि ये वो मकतूल है के जिसने तलवार उठा ली थी अपने भाई को कत्ल करने के लिए या इसने भी कोशिश की थी अगर वो कातिल इसको ना मारता तो ये कातिल को कत्ल कर देता तो इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ इन दोनों ने एक दूसरे पे असला तान लिया एक दूसरे पे अटैक कर दिया तो अब एक ने एक दूसरे पे गालिब आ गया और उसने उसको कत्ल कर दिया तो मकतूल का भी इरादा यही था अगर कि वो कत्ल कर दे अपने मुखालिफ को तो हकीकत में गालिब तो एक आएगा जीतेगा तो एक लेकिन अगर ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं और एक दूसरे को नाहक कत्ल करने पे आमादा हैं तो फिर दोनों ही दो जख्मे जाएंगे तो इसलिए इस चीज का तस्करा जो है हाबील ने यहाँ पे किया कि अगर तुम मुझे नाहक कत्ल करने की कोशिश करोगे तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं नाहक तुम्हें कत्ल कर दू वजा जजा और ये बदला है ालिमों का फतवा सुबान फरमाते हैं काबिल के नफ्स ने उसको इस बात पे उबारा इस बात पे कायल कर लिया कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे फकत अलहू तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया फास्ब हासन और इस तरह वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया कि अब उसके लिए हलाकत और बर्बादी है क़्यामत के दिन और इस दुनिया में भी कि अब वो एक कातिल बन गया अल्लाह एक तवे को भेजा और वो जमीन को खोद रहा था वो कौआ आया और उसने अपनी चोंच से जमीन को खोदना शुरू कर दिया ली यूरिया और इस कौ को भेजने का और उसे जमीन खुदवाने का मकसद क्या था ली यूरिया ताकि अल्लाह उसे दिखा दे या वो कौआ उसको यानी कि एक हिंट दे दे कई के वो अपने भाई की जो लाश है उसको कैसे छुपाए उसको कैसे दफनाए तो अब जब उसने उसको कत्ल कर दिया अपने भाई को तो अब वो लाश उधर पड़ी हुई है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इस बॉडी का क्या करूं तो उस बॉडी की रिस्पेक्ट के लिए उसको यानी के उसकी हुरमत रखने के लिए अल्लाह सुबह ने फिर कौे को भेजा ताकि अब कम अज कम काबिल को यह पता चल जाए कि अब इस बॉडी का मैंने करना क्या है इस लाश का करना क्या है तो जब उसने देखा कि वो कौआ जमीन को खोद रहा है तो काबिल ने कहा या वही लता हाये अफसोस अ आजज तो अकून अम इसल हादल हु क्या मैं इससे भी आजज आ गया हूँ क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मैं इतना भी नहीं कर सकता जितना ये कौवा कर रहा है फौवार या सौता आखिर और इस तरीके से मैं अपने भाई की जो लाश है उसको छुपा दूं उसको जमीन में दफन कर दूस बहा इस तरीके से वो बड़ा ही परेशान और शर्मिंदा हुआ कि जब यानी कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसको अंदाजा हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है और वो शर्मिंदा हुआ मिन अजली इसी वजह से कतबना आला बनी इसराइल अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि इसी वजह से हमने बनु इसराइल पे ये लिख दिया उनके लिए ये तय कर दिया वही के जरिए उन पे नाजल कर दिया फर्ज कर दिया कि अनहू मन कतल नफसन के जो कोई भी किसी शख्स को कत्ल करेगा किसी को कत्ल करेगा बगैर नफसन बगैर इसके के जिसको कतल किया जा रहा है उसका को, कोई ऐसा कसूर हो कि उसने आगे किसी को कतल किया हो कि किसास में कतल किया जा रहा है फसाद इन या ये कि कोई ऐसा शख्स के जिसने जमीन में फसाद फैलाया हो दहशत गर्दी कर रहा हो लोगों को दहशत जदा किया हो कि मसलन रस्ते में काफले लूटने वाले जैसे होते हैं तो अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है फिर उसको अगर कोई कोई कत्ल करता है फका अन नतलमिया तो ये ऐसे ही है जैसे उसने सारे के सारे लोगों को कत्ल कर दिया सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया किसी एक शख्स को नाहक हाँ कत्ल कर करना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया जाए वमन वम्या और हमने बनु इसराइल को यह भी बतला दिया कि जो कोई एक इंसान की जान बचाता है फकान नमा सजमिया गोया के उसने सारी इंसानियत की जान बचाई है और सारी सारे के सारे लोगों को उसने बचाया है वाल हम रसुल ना बिल्बिन और फिर बनु इसराइल के पास हमारे जो अम्बिया हैं जो रसूल हैं वो वाज दलाइल लेकर आए सुम कसरम हम बादल लेकिन फिर भी इसके बाद अक्सरियत उनमें से जो थी बनु इसराइल की बाद इन सारे दलाइल और अम्बिया के आने के बाद फिल अर दिल ज़मीन में फसाद जमीन में ज्यादती करने वाले और जबरदस्ती करने वाले और जुल्म करने वाले तो बनु इसराइल को अल्लाह सुबहान ये जो हुक्म दिया और उन्हें इस बात की संगीनी का एहसास करवाया कि किसी पे जुल्म करना किसी को ना हक झुलम के साथ कत्ल कर देना ये पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है इतने वाज अहकाम के बावजूद भी ये लोग ज्यादतियों में और कत्लो में जो है वो मशगूल रहे और ये हुक्म जो है ये बनी इसराइल के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी है कि जो कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल करता है वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया और जो किसी एक को बचाता है वो ऐसे ही है जैसे वो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया इससे अगली जो आयत है उसमें अल्लाह ने सजा का तस्करा किया है उन लोगों के लिए जो मुहारबा करते हैं जो जमीन में फसाद फैलाते हैं जैसे मैंने पीछे तस्करा किया था कि जैसे लूटने वाले लोग हैं और इस तरह का जो जमीन में फसाद फैलाते हैं जैसे गैंग रेप भी उसमें आता है जो दहशत जदा कर देते हैं लोगों को तो उनकी सजा का अल्लाह तआला ने यहाँ पे तस्करा फरमाया है अल्लाह अल्ला फरमाते हैं इन नमा अल्लाह व रसूल के उन लोगों की सजा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें फिल फसादन और वो जमीन में फसाद करते फिरें फिरेंत्तलु उनकी सजा यह है कि उनको कतल कर दिया जाए और या उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए उनके बाजू और उनकी टांग से काट दी जाए यानी पूरे का पूरा कंधे रख अगर दाया बाजू और दाई टांग काट दी जाए या दूसरी तरफ अन्न या उन्हें जो है वो जिला वतन कर दिया जाए उन ये उनके लिए दुनिया में जिल्लत और खारी है वल हम फिला फ़िरत आदाब और आखरत के दिन उनके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह सुबहान तैयार रखा है तो इस आयत का जो शानूल है वो ये है कि कुछ लोग मदीने में आए इस्लाम कबूल उन्होंने किया और फिर उनको मदीना की आबो हवा राश आई और उनके पेट फूल गए और उनको पेट की बीमारी हो गई रसूल अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो मदीना से बाहर चले जाएं एक जगह पे वहाँ पे जो हैं वो ऊँट थे सदक़े के गालिबन तो और उन ऊँटों के मुसलमान चरवाहे थे तो इनको कहा गया कि भई वहाँ जाएं और उन उधर वो ऊँटनियाँ जो हैं उनका दूध और पेशाब जो है उसको मिक्स करके जो है वो मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये पेट की जो बीमारी है ये दूर हो जाएगी वो लोग गए वहां पे वो कुछ देर रहे जब वो वहां पे सेहतमंद हो गए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने वो जो चरवाहे थे मुसलमान उन ऊँटों के उन चरवाहों को इन्होंने कत्ल किया और ये जो वो सारा जो सारे ऊँट वगैरह थे वो लेके ये बाग खड़े हुए ये लोग वहां से और ये इन्होंने इतना जुल्म किया कि इन्होंने उन चरवाहों की आंखों में गर्म सलाइया फेरी और उनको यानी उधर ही तड़पता हुआ छोड़ तो के तो उनके कह लें कि बुरे तरीके से उनका कह लें कि कत्ल वारत की उन्होंने और ऊंस लेके वहां से भागी तो रसूल वसल्लम ने फिर इनकी सरकोबी में सहाबा को भेजा और उनको पकड़ के रसूल वसल्लम के पास लाया गया तो और इनको भी फिर उसी तरीके से कत्ल किया गया जिस अंदाज से इन्होंने चरवाहों के साथ सलूक किया था तो उस सिलसिले में फिर ये आयत नाज़ल हुई कि इस तरह से ये जो कह लें कि इन्होंने डाका डाला और इन्होंने जिस तरह कत्ल वारत की उनकी तो उस सिलसिले में इनकी सजा जो है वो क्या है अब इसमें फुकाहा का इख्तलाफ है कि क्या ये जो सारी सज़ाएं हैं इसकी कोई लेवल है कि कोई किस लेवल तक फसाद का मुजाहरा करता है तो उसके मुकाबले में उसको कतल किया जाए या चूली चढ़ाया जाए या हाथ पॉँव काटे जाए या जलावतन किया जाए इसमें से क्या किया जाए लेकिन राज है कि ये में पे है कि वो जैसे मुनासिब समझे उनको सजा देना इन चार सजाओं में से वो दे सकता है अगली आयत में अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि इल्ला ताबू मिन तक़दिरू अलैहिम सवाए उन लोगों के जो तौबा कर लें इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ यानी कि कोई इस तरह कह लें कि डकेत हों और इसी तरह करके कोई और लूटने वाले हों और इससे पहले कि तुम उनको गिरफ्तार करो इससे पहले कि उनको पकड़ो वो उससे पहले ही अगर तोबा तायब हो जाए पालाम गफ़ूर रहीम तो तुम ये जान लो कि अल्लाह सुबहान बख्शने वाला और रहम करने वाला है तो इसलिए जो है वो हकूमत को ये इख्तियार होता है कि अगर कोई इस तरह के जो फितना फसाद करने वाले अगर वो कहें सरेंडर करने के लिए तैयार हों और वो अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार हों तो वो उनको मुआफी दे सकते हैं बाज लोगों का इसमें यह है कि नहीं उन्होंने अगर कोई कत्लो गत वगैरह की है तो उसके बदले में उनसे किसास लिया जाना चाहिए लेकिन बात यही है कि इस तरह जो फसाद फिलर्द करने वाले हैं अगर वो उस फसाद से बाज आने के लिए तैयार हों और अमनो अमान इस तरीके से कायम हो सकता हो तो फिर उनके जो जरायम हैं उनकी जो है मुआफ़ी दी जा सकती है अगर उसका फायदा ये हो रहा हो कि जो कत्ल गारत है और जो एक फितना फसाद फैला हुआ है वो ख़त्म हो जाए यादीना आमन ए ईमान वालो अल्लाह से डरो तकवा करो वगोले वसीला और अल्लाह का कुर्ब तलाश करो यानी कि वो जरा इख्तियार करो कि जिनसे तुम अल्लाह के करीब हो जाओ अपने ईमान को पुख्ता करो नमाजें अदा करो सदकात करो और जो नेकी के काम हैं वो करो और जो बुराई है बदी है उनसे बचो तो हर वो जरिया तरीका जिससे इंसान अल्लाह का तकरब हासिल कर सकता है अल्लाह के करीब जा सकता है उसको इख्तियार करो वजाहिदुफी फी ही और अल्लाह की राह में जिहाद करो लाल लकुम तुफले हो ताकि तुम कामयाब हो जाओ ये इस का मफहूम है बड़ा सादा सा इसको मिस यूज करने की कोशिश की जाती है कि वब तक वसीला के अल्लाह को वास्ते डालो और अल्लाह लोगों के सदके दो और वसीले के तौर पर लोगों के नाम इस्तेमाल करो इसका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसकी तशरी अल्लाह के नबी या उसके सहाबा ने कभी इस तरह की की है क्योंकि ये कुरान पाक का हुक्म है कि वब तब इवसीला के अल्लाह का क़ुरब जो है और अल्लाह का तकरब हासिल करने के जराए जो हैं उनको इख्तियार करो तो अगर इसका मफहूम सिर्फ यही होता कि फ़लाँ के नाम पे हमें बख्श दे या फलाँ के नाम पे हमें ये दे दे और वो दे दे तो फिर ये वाला अमल अल्लाह के नबी करते और हमें सिखलाते कि दुआ इस तरह करना है दुआ के जो मैनर्स हैं जो अदब है जो तरीक़ाकार है वो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सिखलाया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स ने बरह रास्त दुआ करनी शुरू कर दी जो अल्लाह से मांगना था उसने तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इसने जल्दी की इसको चाहिए था कि पहले अल्लाह की हमदोसना बयान करता फिर मेरे पे द्रूद भेजता और फिर जो मांगना है अल्लाह से वो मांगता तो जो दुआ का एटिकेट है वो इस अंदाज से है जो मैनर है जो उसका अदब है वो ये है तो इसलिए इस आयत का इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि जिसको लोगों ने खुद वसीले का नाम दे दिया तो वसीला जो है वो एक तो इस माना में इस्तेमाल होता है कि जो अल्लाह के करीब ले जाने वाले ज़राए हैं जो काम हैं अमल है और दूसरा जन्नत में जो सबसे बुलंद मुकाम है उसका नाम भी वसीला है और वो मुकाम जो है वो सबसे बुलंद मुकाम वो अलैहि वसल्लम को मिलेगा और रसूल सल्ला व्लम ने यह भी फरमाया कि जब अल्लाह से मेरे लिए ये वसीला जो है वो जो मकाम वसीला है जो हाइस्ट जन्नत में जगह है वो मेरे लिए मांगा करो कहा करो कि अल्लाह अपने नबी मोहम्मद रसूल सल्ला वसम को जो जन्नत में अली तरीन मुकाम है वो तो अता कर क्योंकि जो शख्स रसूल सल्ला वसम के लिए ये जो मकाम वसीला है उसकी दुआ करेगा तो उसके लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का वो हकदार हो सकता है और ये जो दुआ है कि जिसमें ये आता है कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम को वो बुलंद तरीन मुकाम जन्नत में अता कर वो मशहूर दुआ है जो अजान के बाद की जाती है अल्लाह मरबा वाली अल्लाह सुबहान फरमाते हैं बिला शुबा वो लोग के जिन्होंने कुफर किया लव लाफिल अगर उनके लिए वो सब कुछ हो जो जमीन में है सारी की सारी जमीन की जो दौलत है वो उनकी मलकियत में हो वह मिसल माहु माहू बल्कि उस जितनी और हो यानी पूरी दुनिया में जितना मालो दौलत है जितने कह है असासे हैं उससे दुगने आप कर ले और वो सारे के सारे अगर एक शख्स की मलकियत हो लियबिल और ये जो सारी दुनिया की दौलत है और असासे हैं इनसे दुगने असासे एक काफर के पास हों और उसको ये मौका मिले कि वो क्यामत के दिन के अजाब के बदले में ये फिरिया दे दे ये जुर्माना भर दे और उसकी जान छूट जाए माँ तो कुमिन उनसे कबूल नहीं किया जाएगा वह और उनके लिए दर्दनाक अजाब रसूल ल्ला ल्ला ने कि क्यामत के दिन अल्लाह सुबहाना एक दोस्त को दोजक से निकालेंगे उससे पूछेंगे कि क्या अगर सारी दुनिया की दौलत के बदले में तुम्हें इस और तुम्हारी मलकियत हो और तुम वो जो है उसको फदिये के तौर पर दे के छूटना चाहोगे दोजक से तो वो कहेगा बिल्कुल मैं दो से छूटना चाहता हूँ सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ तो अल्लाह सुबहान फरमाएंगे कि दुनिया में तुम्हें इससे कहीं कम का तकाजा किया गया था आ, के जो दुनिया में तुमसे अल्लाह सुबहान के आ, ने तुम्हें अहकाम दिए थे वो इससे कहीं कम थे उन पर अमल करना लेकिन वो मौका तुमने गवा दिया और अब तुमसे ये जो फिदिया है ये सारे की सारी जो दुनिया है वो भी फिर ये के तौर पे कबूल नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों को वापस फिर दोजख में डाल दिया जाएगा यखरुजू वमा मिन हुम मिन्हा वो ये चाहेंगे कि उन्हें दोजक से निकाल दिया जाए वो चाहेंगे कि वो दोज़ख से निकल जाए वमा हम बार जीन अमिन लेकिन ये हरगिज उससे नहीं निकल सकेंगे वला हम आजाब मुकीम और इनके लिए वहां हमेशा हमेशा रहने वाला आजाब होगा बस सारी व सार चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत इन दोनों के हाथ काट दो जजा बिमा का सबा ये बदला है उस चीज़ का जो इन्होंने करतूत की है जो इन्होंने चोरी की है नकालम अल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से सजा है वल्लाहु आजीज हकीम और अल्लाह तआला तलिब हमत वाला है आ, आ, ये जो आ, चोरी का मामला है इसमें शरीयत में कुछ कह लें कि जब ये सजा दी जाती है तो उसमें कुछ शराय होती हैं कुछ चीजें देखी जाती हैं जैसे इसका भी एक नसाब है कि अगर बिल्कुल छोटी सी चोरी हो तो उस पर हाथ नहीं काटा जाता अगर चोरी का एक खास लेवल है रुबो दिनार का तो यानी कि दिनार के चौथे हिस्से के मुताबिक गोल्ड का जो दिनार होता है उसके बराबर अगर चोरी की है तो फिर वो उसे कम चोरी पे नहीं करता इसी तरह चोरी जो ऐसी चीज की हो जो के महफूज करके किसी ने रखी हो मसलन किसी ने किसी का ताला तोड़ा या घर के अंदर घुस के सामान उठा के ले गया तो ये चोरी है अगर किसी का सामान मसलन सड़क पे फुटपाथ पे पड़ा हुआ है वहां से किसी ने उठा लिया है ये भी हराम ये भी नजायज है ये भी नाथ बिल बातिल है लेकिन इस वाले चोरी में यानी हाथ नहीं काटा जाता दीगर कोई सजा जो है वो हुकूमत जैसे मुनासिब समझे उस पर दे सकती है और इसी तरह एक चीज ये है कि वो शख्स जो है वो मजबूर ना हो अगर किसी शख्स ने चोरी से वो चीज़ उठाई है क्योंकि वो भूखा मर रहा था तो इस सूरत हाल में भी उसका जो हाथ है वो नहीं काटा जाएगा वल्ला आजीजन हकीम और अल्लाह तआला तालिब हमत वाले हैं और आखिरी चीज़ है ये कि ये रियासत का काम है कानून को नाफज करना तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या कोई किसी गांव की पंचायत जो है इस तरह से वो यानी कि इन चीज़ों को नाफज नहीं कर सकती क्योंकि उससे फिर कह लें कि ज्यादती का जो है अंदेशा मौजूद होता है और वो जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा करने के उनके पास जो टूल्स हैं वो नहीं होंगे अः हकीम फमन ताब मिन बाद जुल्म ही वासलहा तो जो कोई अपने जुल्म के बाद गुनाह के बाद तौबा कर ले वासलहा और अपनी इस्लाह कर ले फैन अल्लाह यतूब अलैहि तो अल्लाह सुबहानहू व तआला भी उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं इन अल्लाह रहीम बिला शुबा अल्लाह सुबहानहू व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द मोहम्मद के आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के लिए ज़मीनों आसमान और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है युवाबोम शाह वो यग फिरोलीशा अल्लाह व जिसे चाहता है उसे सजा देता है वह यग फिरोली मैशा और अल्लाह सुबहान जिसे चाहता है उसे मुआफ़ करता है वह कल्लिसन कदीर और अल्लाह सुबहान हर चीज पे कादिर है या युहर रसूल हो ए रसूल يسارعون في तुम्हें गम में न डालें वो लोग के जो कुफर करने में जल्दी कर रहे हैं जल्दी जल्दी यानी कि वो मुसलमान होने का दावा करते हैं फिर जल्दी से ही वो काफिर हो जाते हैं तो इस तरह के जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं उनसे आप जो हैं वो उनकी टेंशन ना लें उनसे आप गमनाक ना हों मिन कालू आमन्ना भी फ्वााहिम और ये जो कुफर में सबकत ले जा रहे हैं बढ़ चढ़ के कुफर करने वाले लोग हैं ये कौन से लोग हैं कालू आमन्ना भी फ्वााहिम ये अपने मुँहों से तो कहते हैं कि हमने ईमान लाया हम ईमान लाए वलम तो मिन क्लोबहम लेकिन इनके दिल ही मान नहीं लाए इनमें मुनाफ़त हैं वमिनल हादू और उन लोगों में से भी जो यहूदी हैं वो भी कुफर में बड़े हुए हैं समून अलीलकबी ये लोग जो हैं वो झूठी बातों को और झूठ को सुनने के आदि हैं बड़े गौर व खोज से तोज्जो लगा के ये झूठ को और बेसलेस चीज़ों को सुनते हैं सममाऊ न लिखऊ में अलम यातूब और इसी तरह ये दूसरे लोगों के लिए भी जसूसी करते हैं जो अभी आपके पास नहीं आए यानी आपके जो मुखालफ हैं जो आपके पास नहीं है उनके लिए ये जसूसी का काम भी करते हैं कि आपकी बातें सुन के ये मुखालफों को जाके बतलाते हैं जो हर रिफून मवाद यही ये कलेम को जो वही के कलेमात हैं उनको उनकी जगहों से फेर देते हैं यानी ये तहरीफ करते हैं अल्लाह की किताब में जो इनके पास आई यहूदियों के पास और ये उसका माना बदल देते हैं ये कई जगह लफज ही बदल देते हैं यकूलू ना और ये कहते हैं इन ऊती तुम हाजा फू हो कि अगर तुम्हें ये वाला हुक्म दिया जाए जो तुमने खुद बदला है यानी तो रात में जो अल्लाह का असल हुक्म है उसको बदल के इन्होंने अपनी मर्जी के अहकाम कर लिए हैं तो अब ये चाहते हैं कि हम चलो अपना फैसला मोहम्मद अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं कि इसको अगर वो वही वाला हुक्म दें जो हम चाहते हैं फू हो तो फिर हम उसको ले लेंगे फिर वो अपने साथियों को कहते हैं कि अगर तुम्हें फैसला मोहम्मद अलैहि वसल्लम वही करें जो तुम चाहते हो तो फिर तुम उस फैसले को कबूल कर लो व इलम तो फ़ाह जरूँ और अगर वो मुख्तलिफ फैसला करें तो फिर उससे इज्तिनाब करो और उसको ना मानो वहीं यु फित अल्लाह सुबह मत फरमाते हैं कि जिसको फितने में डालने का और जिसको खराब करने का इरादा अल्लाह कर ले फलन तम अल्लाह हिशया तो ऐ मोहम्मद रसूल सल अल्लाह फिर आपके इख्तियार में वहाँ अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नहीं रह जाती फिर अल्लाह ने आपको इख्तियार नहीं दिया कि आप उस शख्स को राह रास्त पे ले आए या उस शख्स को बचा सकें तो जिसका मशीत इलाही में उसकी करतूतों की वजह से यह फैसला हो चुका है कि इस बंदे ने तबाही और बर्बादी में और गुमराही में ही जाना है और इसने फितने में ही मुबतला होना है तो ऐह मोहम्मद रसोल्ला आप जितना मर्जी फिर उसके लिए कोशिश कर लें अल्लाह ने अब इस चीज़ में आपको इख्तियार नहीं दिया कि इस तरह के जो मरदूद लोग हैं उनको आप राह पे ला सकें उलाक ये वो लोग हैं लम यूरी दिल्ल होता अल्लाह ने यह इरादा ही नहीं किया कि इनके दिलों को पाक करे लहम फ़िल दुनिया खिजयन इन लोगों के लिए दुनिया में रसवाई है व लहम फिल आख़िरत अज़ाब नवीम और आख़रत में इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है तो मुख्तलिफ़ जो वाक़ इस आयत के शान नजूल के तौर पर जिक्र किए गए हैं जिनमें से सबसे मशहूर ये है कि यहूदियों में से दो जो शादी शुदा थे मर्द औरत उन्होंने जना कर लिया तोरात के मुताबिक उनकी सजा जो थी वो रजम थी संसार थी तो उन्होंने उसको तब्दील कर लिया हुआ था कि उनमें से जो कह लें कि ताकतवर और इज्जतदार और बड़े मालदार ग्रानों के लोग होते थे उनको वो हल्की फुल्की सज़ा दे देते थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि भाई अब तोरात के मुताबिक जो है वो असल हुक्म तोरात का ये है तो हम इस तरह से करते हैं कि हम चले जाते हैं मोहम्मद रसूल सलाह के पास और उनसे जाके पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या फैसला करते हैं तो रसूल भाई तोरात में इस बारे में क्या बयान हुआ है तुम लोगों के बारे में कि अगर ऐसा मसला हो जाए तो तुम लोग क्या करोगे तो उन्होंने कहा जी तोरात के मुताबिक तो हम जो है ना कुछ थोड़े से कोड़े मार लेते हैं और कुछ उनको जरा रुसवा कर देते हैं जरा मुंह काला करके तो जरा जानवर पे बिठा के जरा मोहल्ले में घुमा दो बस इतना बहुत है तो अब्दुल्ला बिन सलाम ताला जो पहले यहूदी आलम थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा मामला नहीं है तो रात में रजम का तस्करा है संसार का तस्करा है तो रसूल उन्होंने अब जो यहूदी आलम थे उन्होंने इसका को चैलेंज किया इनकार किया कि नहीं ऐसा मामला नहीं है तो उनसे कहा गया कि अच्छा आप फिर ऐसा करें कि आप तौरात को लेकर आए जब वो तौरात को लेकर आए और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसको उन्होंने क्या किया उन्होंने उसमें जो एडिशन किया हुआ था वो बयान कर दिया कि उसको रसुवा किया जाए और कोड़े लगाए जाए और जहां पे लिखा हुआ था कि उनको रजम किया जाए संसार किया जाए शादीशुदा जोड़े को तो वो उस पर हाथ रख लिया वो पढ़ने वाले आलिम ने तो बिन सलाम रजी अल्लाह के, के रसूल इनसे कि यहाँ से हाथ उठाएं और इस हाथ जहाँ पे रखा हुआ इसके नीचे क्या इबारत है, तो है पढ़ी गई तो उससे वो ज़ाहिर हो गई उनकी जो कह लें कि बदती थी और वो बड़े यानी कि कह लें कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हुआ और फिर रसूल सल्हम ने जो रजम की हद है वो उन जो जानी यहूदी थे उन पे फिर नाफज करवाई तौरात के मुताबिक इसी तरह यहाँ एक और बड़ी कह लें कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तौरात लाई गई तो आपने अपने नीचे से जो तकिया था वो निकाला और उसको सामने किया और कहा कि इस पे तौरात को रखो तो अब अगर इसमें देखा जाए कि अभी ये वो तोरात है जिसको बदल दिया गया था और जिसमें मिक्सचर था कि अल्लाह की नाजल करदा तोरात के उसमें अल्फाज भी शामिल हैं और जो उन्होंने तहरीफ की वो भी उसमें शामिल है फिर भी अल्लाह सुबहान त के जो नबी हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह वसम उन्होंने उसका इतना अहतराम किया कि उसको तकिए पे रखा उसको ज़मीन पर नहीं रखा तो कुरान जो अल्लाह सुबहान त वही है और ख़ालस कलाम है और उसमें तहरीफ नहीं है उसका यानी कि इज़्ज़त मरतबा और एहतराम हमें किस हद तक करना चाहिए इसलिए ये कतन जो कह लें कि दुरुस्त नहीं है कि क़ुरान को जो है वो कोई बंदा ज़मीन पे रख दे और सोचे कि जी ये साफ़ ज़मीन है तो मैं इसको ज़मीन पे ही रख देता हूँ ये उसके इज़्ज़त एहतराम के ख़िलाफ़ है अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं वो मई अल्लाह शाह मिन तक्वल कुलूब जो अल्लाह के शायर का अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है तो ये एक निशानी है कि इन दिलों में जो एहतराम करने वाले लोग हैं इनके दिलों में तकवा है इनके दिलों में परहेजगारी है समल कदेब अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूल वसल्लम ये जो आपके पास आए हैं फैसला करवाने वाले ये यहूदी ये बड़े कान लगा के झूठ सुनने वाले हैं झूठी और बेसलस बात को ये सुनने वाले हैं और उसको मानने वाले हैं अकालून अली सोहत और जी भर भर के हराम खाने वाले हैं यानी कि ये भी नहीं कभी कभार थोड़ा हराम खा लिया ये जी भर के हराम खाने वाले लोग हैं फिन जाऊ का पह कुम बई नुम औ आ तो अगर ये आपके पास आए फैसला करवाने तो आपकी मर्जी है आपकी चॉइस है चाहे आप इनके दरमियान फैसला करना चाहते हैं कर दें अगर एराज करना चाहते हैं तो तब भी आपके पास एराज का रास्ता है आप रिस्ट्रेंट करना चाहते हैं आप कहते हैं कि भी जाओ मैंने तुम्हारा फैसला नहीं करना वन तो अरिदान हम अगर आप इनसे एराज करेंगे आप इनको कहेंगे कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा फलंग यदरू कशैया तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते व इन हकम था लेकिन अगर आप इनका फैसला करें फहकुम बैनहुम हम तो फिर इनके दरम्यान अदल इंसाफ से फैसला करें इनबुलमुसदीन यकीन अल्लाह सुबहान तदलो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत रखता है तो इसलिए इस आयत में यह भी सबक है कि अगर आप समझते हैं कि आप दुरुस्त फैसला कर सकते हैं या आपका दुरुस्त फैसला नाफज हो सकता है फिर इंसान फैसला करे और दुरुस्त फैसला करे और अगर समझता है कि मुझे इख्तियार नहीं है तो फिर फैसला ही ना करे और उसे अगर किसी ऐसी जगह है जहाँ वो समझता है कि फैसला देने का कोई फायदा कोई नहीं क्योंकि ये फरीकैन जो है इन्होंने मेरी बात माननी नहीं और ये कह लें कि नहीं ये तीन लोगों में नहीं है तो वहां पे फैसला ही ना दे लेकिन ये तीसरा ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं है कि वो डंडी मारते हुए नजायज फैसला दे दे और ना इंसाफी करे ना इंसाफी करना जो है वो जायज़ और दुरुस्त नहीं है वकई फक के मुंह नका और ए मोहम्मद रसूल ये बड़े ताजुब की बात है कि ये कैसे जो है वो आपको मुंसिफ बनाते हैं और आपको कहते हैं कि आप फैसला करें व इन तौरात हालांकि इनके पास तौरात मौजूद है फी हा हुम उसमें अल्लाह का हुक्म है बाद फिर ये उस हुक्म से अल्लाह के हुक्म से फिर जाते हैं तौरात जिसको ये अल्लाह की किताब मानते हैं अल्लाह का हुक्म मानते हैं उस हुक्म को तो मान नहीं रहे ये जिसके बारे में दावा है इनका कि ये अल्लाह की किताब है उसके अकाम को मान नहीं रहे और दूसरी तरफ आपको ये अल्लाह का रसूल भी नहीं मानते और फैसला करवाने आपके पास आ जाते हैं क्या हो रहा है ये फतवा शॉपिंग हो रही है ये कोशिश हो रही है कि कहीं से अपनी मर्जी की चीज मिल जाए तो इस आयत में उन लोगों का भी तस्करा है और इशारा है उन लोगों की तरफ कि जो सिर्फ अपनी मतलब का मसला निकालने के लिए शुरू हो जाते हैं कि एक मस्जिद से पूछ दूसरी से पूछ तीसरी से पूछ एक आलम दूसरा तीसरा चौथा और मकसद उनका जो है शरीयत पे अमल करना नहीं होता बल्कि एक्सक्यूज तलाश करना होता है कि कहीं से हमें अपने मतलब की बात मिल जाए और हम उस पे अमल कर लें ये बदयानती होती है और ये जो है ये उस इसी यहूदी तरीक़ाकार से मिलता है जो यहाँ पे यहूदियों ने इख्तीयार करने की कोशिश की वमा उल्ह कबिल्मिन अल्लाह सुबहान तमाते हैं कि हकीकत यह है कि ये लोग ईमान वाले हैं ही नहीं जी किसी साथी का कोई सवाल हो तो वरहमल